हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी स्टफ्ड स्पिनच रोल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी स्टफ्ड स्पिनच रोल। स्टफ्ड स्पिनच रोल बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करूंगी। उसके लिए कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1 पिंच हींग डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 छोटा प्याज बारीक बारीक चॉप किया है वो इसमें डाल रही हूँ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ, प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज भून गया है, अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ग्रेट करके डाल रही हूँ, 1/2 कप इसमें पनीर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, मसाला अच्छी तरह भून गया है। गैस को बंद कर रही हूँ, इसके ठंडा होने के लिए रख दूंगी और आगे की तैयारी करूँगी। अब बैटर तैयार करूँगी। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। एक टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की बिल्कुल थिक रखनी है। बैटर बनके तैयार है, अब आगे की तैयारी करूँगी। स्टफ्ड स्पिनच रोल बनाने के लिए ये देखिए, मैंने बड़े बड़े पालक के पत्ते लिए हैं, इनको अच्छी तरह पानी से धो लिया है। अगर इतने बड़े पत्ते नहीं हैं, अगर छोटे पत्ते हैं तो आप छोटे पत्तों को इस तरह से जॉइन करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पत्ते होंगे तो ये आराम से बन जाते हैं। अब एक पत्ते को लूँगी, इसकी ये जो मोटी वाली स्टेम होती है इसको किसी भी बेलन या चम्मच से इस तरीके से प्रेस करके फोड़ दें, जिससे कि ये नरम हो जाएगा और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको सीधी तरफ पे ये जो बेसन का हमने बैटर बनाया है ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगाएंगे। स्टफिंग जो हमने तैयार की है थोड़ी सी इसमें रखेंगे। साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, पहले इसी तरह से सभी रोल तैयार कर लूंगी। सभी स्पिनच रोल स्टफ्ड हो गए हैं। अब जो ये बेसन बचा है इसको हल्का सा 1 चम्मच पानी डाल के थोड़ा सा लूज कर लूंगी और पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हर तरफ लगा देंगे। ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी है, बस पतला पतला ही लगाएंगे। इसी तरह सभी को कोट कर लूंगी। सभी स्पिनच रोल बेसन से कोट हो गए हैं, अब इनको शैलो फ्राई करूंगी। स्पिनच रोल को शैलो फ्राई करेंगे। कोई भी फ्लैट पैन या कढ़ाई ले लें। देखिए, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालना है। ऑयल को हल्का गरम करेंगे और एक एक करके अपने स्पिनच रोल इसमें रख देंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
अब इनको ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। एक बार में आराम से जितने आए उतने ही रखिएगा, एक के ऊपर एक नहीं रखना। अब ढक्कन लगा के इस तरफ से भी 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब फिर से इनकी साइड चेंज कर दूंगी। अंदर जो बेसन लगाया था वो अच्छी तरह सिक जाए इसलिए इनको ढक के स्लो गैस में पकाया था। अब इनको अलट पलट करके गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। बहुत ही करारे और अच्छे बनते हैं ये। सब तरफ से देखिए गोल्डन सिक गए हैं, अब इनको निकाल लूंगी। ये देखिए हमारे स्टफ्ड स्पिनच रोल बनके तैयार हैं, अब मैं इनको सर्व करूंगी। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही कुरकुरे स्टफ्ड स्पिनच रोल। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।